ये कुदरती के नेमे बैठी सतवान की सतवान की जिंदगी इतनी से आखिर नेमे बैठी सतवान की जिंदगी इतनी से आखिर नेमे बैठी बिना पति के दुखियारी की रे बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा नहीं ही माती कोई मेरा ना मेरी मजेदार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा ओ मेरे दिल पहला के चो जी सुनो यमराज दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा और चीज डके और चीज कुछ भी ले ले मैं बचना त्यालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना त्यालूंगा झोली फैलाई दुखिया ने हो कर दो समझ के अपनी बेटी मुझको समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश पर धर दो अगर आप देना चाहते तो पहले तीन वचन भर दो अगर आप देना चाहते तो पहले तीन वचन भर दो इस रागनी के फरमाइश करता इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय बड़े भाई रामभोल प्रधान जी जो 1000 रुपए और इस रागनी पर दे रहे हैं एक बार जोरदार ताली प्रधान जी के लिए हो जाए जोरदार ताली और बेटी सावित्री कहिए महाराज तुमसे एक बहुत बड़ा डर है वो कौन सा डर है तीन वचनों में बांध करके एक डर से मुक्त कर देना वो कौन सा डर है कहिए अपनी बात सुन ले मेरी बात कहिए और इस सत्यवान के करो यकीन राज पाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन बेखटके टिके बेखटके मांगो सावित्री जा दे दिए वचन एक दो तीन बेखटके मांगो सावित्री दे दिए वचन एक दो तीन
अंधे मेरे रे सास ससुर अंधे मेरे। उन आँखों का उजियारा दे दो। अच्छा। जो दुश्मन ने छीन लिया वापिस राज हमारा दे दो। दो हो मेरा वचन तीसरा। कौन सा? हो मेरा वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और, गौर कर अपना वचन निभाल ले मेरी अरज सुनो यमराज। ससुर तुम्हारे अंधे हैं महाराज, उन्हें आंखों की ज्योति चाहिए। हाँ महाराज। नंबर दूसरे, तुम्हारे सास ससुर एक राजपाट के मालिक थे, जो मंत्री ने उनके साथ में धोखा किया, जो कि उन्हें अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो गई, उनका राजपाट लूट लिया, वही राजपाट तुम्हें फिर से वापस चाहिए महाराज, वही राजपाट। तीसरा वचन कि तेरे पति शत्रुवान इस दुनिया में जीवित नहीं रहे, लेकिन तेरे सास ससुर उनके नेत्र खुल जाएंगे, उनका राजपाट वापस मिल जाएगा, लेकिन राजपाट को संभालने वाला कोई ना कोई वारिस वाली होना चाहिए महाराज। तीसरे वचन में तेरी कोख से पैदा हो एक सुंदर बेटा चाहिए। ये तीन वचन महाराज मैं आपसे मांगती हूँ। बेटी सावित्री, मौका और भी है, अगर कोई भूल चूक में और भी कुछ मांगना हो, भूल रही हो तो और भी मांग ले, मैं देने के लिए तैयार खड़ा महाराज। केवल ये तीन वचन मेरी झोली में डाल दीजिए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं महाराज। सुन ले ये तीनों वचन, आज तुम्हें देख करके जाऊंगा, और ये यमराज के वचन हैं कि जरूर पूरे हैं, मगर सुन ले मेरी बात। आइए सुन ले। और इस सास ससुर तेरे री आँखों का उजियारा दिया, छलते लिया मंत्री ने, जो छलते लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। और तेरी कोख ते पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख ते पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। बेटी सावित्री। हाँ महाराज। तेरे सास ससुर नेत्रवान हो जाएंगे, उनका राजपाट वापस मिल जाएगा, और तीसरा वरदान तेरी कोख से सुंदर बेटे का वरदान दे रहा हूँ, सुंदर बेटा होगा, और अब मैं यहाँ से चलता हूँ महाराज। आपने मेरी झोली में तीनों वचन डाल दिए। हाँ दे दिए महाराज। जब आपने तीनों वचन मेरी झोली में डाल दिए हैं, तो थोड़ी सी बात मेरी और सुन करके जाइए महाराज। थोड़ी सी बात और सुनो। हाँ महाराज। अब कुछ और बकाया रह गया? मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि कुछ और बकाया रह गया है, और? लेकिन आपको मेरी बात सुन के जानी पड़ेगी महाराज। कहो अपनी बात। सुनिए मेरी बात। पति वरता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। बेटी सावित्री। ये महाराज, ये तुमने यमराज के
साथ में कैसा जाल फैला दिया महाराज। हाँ मैंने कोई जाल नहीं फैलाया। बेटी मुझे क्षमा कर दे, पहले और दूसरे वरदान पर अपना सबर कर ले, लेकिन तीसरे वरदान के लिए मुझे क्षमा कर दे महाराज। हाँ जब अपने मुख से तीनों वचन दिए हैं तो पूरे करने होंगे महाराज। तीसरा वचन, तेरे दुख में विलीन होकर के मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और मैं भी सोच नहीं पाया कि तीसरा वरदान तो दे दिया लेकिन पूरा किस तरह से होगा, क्योंकि सतीवीर एक बार किसी से शादी करते हैं। सतीवीर का जो जती मर्द इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा तो जती मर्द मर जाने के बाद सतीवीर के संतान कैसे पैदा हो जाएगा। बेटी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा मांगता हूँ महाराज। आप मुझसे क्षमा ना मांगी, आप मेरे पिता तुल्य हैं और आपने अपने मुख से मुझे बेटी कहा है। हाँ। महाराज जो आपने वचन दिए हैं वो आप पूरे कीजिए। अगर मेरे तीसरे वचन को पूरा करवाना चाहती है तो इसमें तुम्हारा योगदान होगा बेटी सावित्री, क्योंकि यमराज ने तुम्हें फंसाया है, तुमने यमराज को फंसा करके खड़ा कर दिया तो निकालने का रास्ता भी तुम्हारे पास जरूर होगा। मुझे आज इस तीन वचनों के जाल से बचा दीजिए महाराज। हाँ। आपने अपने मुख से मुझे बेटी कहा, मेरे दुख में खो करके आपने तीन वचन मेरी झोली में डाले हैं। डाले इस दुनिया के सामने, समाज के सामने आपको नीचा नहीं देखने दूंगी महाराज। वो कैसे? इससे निकलने का रास्ता मैं आपको बताती हूँ। हाँ। कि मेरे पति की आयु तो पूरी हो चुकी है, हो चुकी। लेकिन अभी मेरी उम्र बकाया है, बकाया। मेरी उम्र में से आधी उम्र मेरे पति को दे दीजिए, इससे मेरे पति के प्राण भी बच जाएंगे, आपके वचनों का पालन भी हो जाएगा और मेरे जीवन का उद्धार भी हो जाएगा महाराज। धन्य हो सावित्री, धन्य हो तेरे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, धन्य तेरी प्रिय बुद्धि परवीन। सावित्री ने यमराज को उपाय बता दिया कि मेरी आयु अभी बकाया है और मेरे पति की आयु पूरी हो गई, तुम भगवान हो, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी आयु में से आधी आयु मेरे पति को देकर के जीवित कर दीजिए, ये जीवित हो जाएंगे, तीसरा वरदान आपका पूरा हो जाएगा और एक काम और बढ़िया हो जाएगा कि हम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी, हम जिएंगे तो साथ साथ और एक दिन मरेंगे भी तो साथ साथ। ओ यमो राजी होया लाचार, यमो राजी होया लाचार, नहीं अरजी सुनो यमराज।